श्री अकाल तख्त साहब सिख पंथ की सिरमौर जथेबंदी और उहदे ले हर फैसले नूं सिख पंथ सिर झुका के मणदा है। मगर समय समय दे विच जिस वक्त अकाल तख्त साहब कोलों कोई फैसले ले जांदे आ, इन्हां दे विद्रोह करन वाले, इन्हां तों उल्ट चलन वाले कई जिहड़े दोखी ने पंथ दे विच, उह अपना सिर चुकन लग पैंदे आ। पिछले दिनां सरदार हरविंदर सिंह सरना ने एक वीडियो पाई और श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब के उत्ते बहुत किंतु परंतु की कि उन्होंने जिहड़ी 11 मैंबरां नूं उत्ते सद के सलाह लैण की गल की है, वह 11 लोग उन्होंने अपनी सदबुद्धि दे नाल चुने ने, जिन्हां बारे वह ये सोच रखते ने कि वह एक पंथ दर्दी ने, पंथ की सोच रखते ने। उहदे विच भावें उच्च कोटी के विद्वान होन, उच्च कोटी के वकील होन, उच्च कोटी दीयां धार्मिक शख्सियतां होन, मगर इहदे उत्ते जिस तरीके दे नाल सरदार हरविंदर सिंह सरना ने ऑब्जेक्शन की और अकाल तख्त साहब के जथेदार के खिलाफ जो अपशब्दावली वरती है और जिस तरीके दे नाल उन्हां नूं धमकाण की कोशिश की है मिठी आवाज़ दे विच, मिठे शब्दों के, यह बहुत वड्डा इतराज़ योग है। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इहदा बहुत वड्डा संज्ञान लिया और असी श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब नूं इहदे खिलाफ़ कंप्लेंट भी लिखी है। मैं जथेदार साहब उन्हां नूं बेनती करना चाहुंदा कि ऐसे लोग जिन्हां ने पहले कौम दे विच दो फाड़ किए, कौम नूं दो दो संगरां दा, दो दो गुरपुरब मनाउण ते मजबूर किया, और यह उही लोग ने, यह सरना भरा उही बंदे ने जिहड़े गुरद्वारा साहब दीयां स्टेजां दे उत्ते कहिंदे हुंदे सी कि हुण 1984 भुल जाओ, 1984 दे कातलां नूं इह सरूपे पाउंदे रहे आ। कांग्रेस दे नाल इहनां दी सांझ रही आ और जिस कांग्रेस ने श्री अकाल तख्त साहब जिहड़ा सिख पंथ दा प्रभु सत्ता दा केंद्र है उहनूं टै टेरी कीता, उहदे नाल इहनां ने गल वकड़ियां पाईआं और अपने कारोबारां दे विच जिहड़ियां तरक्कियां कीतियां इह सिर्फ ते सिर्फ कांग्रेस करके। सो मैं बेनती करना चाहुंदा जथेदार साहब जी, इन्हां दीयां गल्लां ते ना आ के तुसीं जिहड़ा फैसला लैणा है, तुसीं क्योंकि बहुत वड्डा ये फैसला है, ये खाली कोई एक परिवार का नहीं है, एक बंदे का नहीं है। श्रोमणी अकाली दल जिहड़ी पंथ की सिरमौर जथेबंदी कहलाउंदी है, उहदे प्रधान के खिलाफ तुहाडे कोलों कंप्लेंट आई है और तुसीं उहदे उत्ते जो संज्ञान लैणा है, जो भी तुसी फैसला लेना वो तुहाडी विवेक बुद्धि, तुहाडे अपने जिहड़ी तुसी कार्यशैली दे विच देखना है कि जो तुहाडे अधिकार क्षेत्र च आंदा है तुसी की फैसला लेना है। मगर सलाह लैण दा अधिकार हर बंदे नूं है, हर तख्त साहब दे जथेदार नूं है और उहदे उत्ते ऑब्जैक्शन करन वाले बंदे, और जिस तरीके दे नाल इहनां ने, जिस तरीके दे नाल सरदार विरसा सिंह वलटोए ने तुहानूं धमकाण दीयां कोशिशां कीतां सी, उसी तरीके अपने वीडियो राही इन्हें जो शब्दावली वरती है, यह भी बहुत वड्डी इतराज़ योग है। सो अज ही तुहानू जिहड़ा मंग पत्र दिता है उहदे विच बेनती की है कि सरदार हरविंदर सिंह सरना नूं अकाल तख्त ते तलब किया जाए, उहदे खिलाफ़ कार्रवाई की जाए और बनती सज़ा उन्हूं देती जाए, क्योंकि एक बड़े ढंग दे नाल इन्हें उस अपनी वीडियो दे विच किया, उन्हूं पता है कि वह किन्ना वड्डा गुनाह कर रहा है, किन्ना वड्डा पाप कर रहा है। और ये लोग जिहड़े आप शराब के कारोबार करते हैं, इन्हों के परिवारों के बंदे शराब के कारोबारी ने, ये लोगों को किहड़ा इख्तियार है कि अकाल तख्त साहब के जथेदार के उत्ते उंगली चुक सकन। सो आप जी को बेनती करते हैं, मैं पंजो सिंह साहबां नूं चिट्ठी की कॉपी भी भेजी है, मेल भी की है और साडा डेलीगेशन ने तुहानूं परसनल तौर के उत्ते भी मिले है, तुसीं इहदे उत्ते सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए ताकि पंथ दे विच इहो जिहे होर कोई अकाल तख्त साहब के विद्रोह करन वाले दोबारा पैदा ना हो सकन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।